हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, एक नया अपडेट जो कि नेट के थ्रू आया हुआ है। सारा कुछ बताएंगे आप लोगों को, क्या कुछ आया हुआ है सारा कुछ अपडेट देंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, चलिए सबसे पहले हम हेडलाइन को पढ़ते हैं, उसके बारीकी से आप लोगों को पढ़ के बताएंगे क्या कुछ आया हुआ है नया अपडेट। तो यहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे से मिली बड़ी खुशखबरी, 12 जिलों को होगा ये फायदा, ऐसा है टारगेट। अब इसी के बारे में होगा वीडियो, पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी दे सके। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। ये अपडेट जो है मेरठ से आया हुआ है, तो चलिए बारीकी से पढ़ के सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस अपडेट में। तो इस पर लिखा हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य समय पर चल रहा है। दीपक मीणा ने कहा कि दिसंबर तक मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण होगा। गंगा एक्सप्रेसवे में प्लांटेशन को लेकर भी बड़ा कवायद हो रही है। डीएम ने बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। औद्योगिक गलियारे के लिए 150 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन को चिन्हित किया गया है। इससे इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे जुड़े सभी कामों को खास टारगेट लेकर पूरा किया जा रहा है और इसमें टाइम का खास ध्यान दिया जा रहा है। इसमें आगे लिखा हुआ है, गौरतलब है कि योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को 2025 में होने वाले कुंभ मेले से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 जिलों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज 8 घंटे में पूरी हो सकेगी। आगे लिखा हुआ है, एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टैंक ऑफ की होगी व्यवस्था। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे जनपद मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगंज एवं प्रयागराज पर समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे पर दो महत्वपूर्ण नदियां गंगा एवं रामगंगा पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टैंक ऑफ के लिए शाहजहाँपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हाईवे पट्टी भी विकसित की जानी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर और 8 रोड ओवरब्रिज बनेंगे। इसी में आगे लिखा हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा होंगे। इसके अलावा 12 अतिरिक्त रैंप टोल प्लाजा होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके तैयार होने के बाद मेरठ और प्रयागराज के बीच ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा और दोनों शहरों के बीच 11 घंटे के बजाय सिर्फ 8 घंटे में सफ़र पूरा होगा। इससे समय और ईंधन की बड़ी बचत होगी। हाँ तो गाइस, इस अपडेट में बस इतना ही था। तो आप लोगों को कैसा लगा इस अपडेट को सुनकर? आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और ये जो है कुंभ मेले से पहले जो है ये रोड जो है बनकर तैयार होने वाला है, तो ये जो है बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग नए होंगे मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।